हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोटिकेट सॉल्यूशंस हैदराबाद टीम। जैसे कि फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक सैमसंग S23 अल्ट्रा एक हैंडसेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम यह है, ये अभी लोगों पे रिस्टार्ट है, चार्जिंग सिंबल आ रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर रैम और सीपीयू की। तो यहाँ पे करीब आइए, मैं एक बार चार्जर लगा के यहाँ बताता हूँ आपको। देख सकते हैं, जैसे मैं चार्जर लगाता हूँ यहाँ पर कुछ कंज्यूम करता है एम्पियर, और यहाँ पे इस तरीके का चार्जिंग का लोगो आकर ये चला जाएगा, या सैमसंग लिखा भी कभी कभार आ रहा है या रिस्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं ये जा चुका है, लोगो आकर चला गया, या कभी ये रिस्टार्ट भी होगा। देख सकते हैं वापस से आएगा लोगो, और फिर 1 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, 0.769, और 1 एम्पियर भी ले चुका है, ये देखिए फिर छोड़ दिया। तो इसमें प्रॉब्लम यही है। तो चलिए अभी हम इसका रैम निकालेंगे, रैम को रिवॉल्व करके डालेंगे। तो चलिए वीडियो पर एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हैंडसेट बहुत फ्रेश है, कोई काम किया हुआ नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमने ही ओपन किया। S908 इसका मॉडल है, S23 अल्ट्रा हो हैंडसेट ये। तो इसमें डबल लेयर मदरबोर्ड होता है, बहुत ध्यान से काम करना है। तो यहाँ पे इसका CPU और UFS होता है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम इस हीट रेजिस्टेंस टेप को हटा देंगे यहाँ से, जो कि कवर होता है PCB में। चलिए इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। बहुत ध्यान से आपको काम करना है, थोड़ा सा वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में रखा है ताकि आपका टाइम बचे। तो ये हैंड स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। तो CPU के ऊपर यहाँ से हम थर्मल सेंसिंग पैड को हटा लेते हैं, जो कि हीट को सेंस करता है, रोक के रखता है, CPU को कूल रखता है। यहाँ पे क्लीन कर लेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है, ये रैम है K3LK। K3LK7K7 ये रैम है, जो कि CPU के ऊपर लगा है। इसमें डुअल डेकर CPU होता है, SM8450 CPU होता है। तो यहाँ पे हम सेट कर लेंगे PCB को। लेफ़्ट साइड से हम जो हमारा हैंडल है वो यूज़ करेंगे। तो दो तरह के हैंडल हम इसमें यूज़ करेंगे, एक साइड ग्लू कट करने के लिए और एक रैम लिफ्टिंग के लिए। ये दो हैंडल हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेंड वाला जो नोज़ल होता है, हैंडल होता है, इसे हम साइड ग्लू होगा थोड़ा सा हल्का सा, इसको रिमूव कर लेंगे। CPU देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा CPU है, रैम ऊपर छोटा सा लगा होता है इसके ऊपर। तो ग्लू कट करने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ कि आसपास कैसी वैल्यू है, क्या रीडिंग आ रही है, ताकि रैम डालने के बाद कोई प्रॉब्लम आए तो हम चेक कर सकें। तो पहले आप PCB को ओपन करने से पहले चेक कर सकते हैं आसपास क्या वैल्यू आ रही है। तो चलिए यहाँ पे रैम रिमूव कर रहा हूँ मैं। 370 हीट है मेरे, और 3 एयर है, 857 DW+ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से रैम को यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। नोज़ल आपका सारा रैम पर घूमना चाहिए, जहाँ पे ब्लेड जा रही है वहीं पे नोज़ल हम हीट देंगे। बहुत आसानी से नरम हाथों से आपको करना है, ताकत बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और ज़्यादा हीट अगर देंगे तो नीचे CPU में जा सकती है और CPU मेल्ट हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, रैम हमने आसानी से यहाँ से निकाल लिया है। 8450 SM इसमें CPU लगा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और रैम हमने बाजू रख दिया है निकालने के बाद। तो चलिए पहले CPU को क्लीन करते हैं, फिर रैम को क्लीन करेंगे, रिवॉल्व करेंगे और डालेंगे। अच्छे से देखिए, बीच बीच में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम CPU के ऊपर जो PPD ओरिजिनल PPD से बॉल बने हैं उसको मेल्ट करेंगे हमारे PPD के साथ। जो नॉर्मल लेड आपके पास होता है उसके साथ मिक्स कर लीजिए, ताकि क्लीनिंग में आसानी हो। ध्यान रखना है आसपास के कोई भी कंपोनेंट मिस नहीं होना है। यहाँ पर मेरा वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, मुझे करने में ये एक हाफ एन आवर 40 मिनट्स का कुछ टाइम शायद लगा होगा। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता से
करने की सलाह दूंगा आपको, फास्ट मत करिए। देख सकते हैं एग्जैक्ट मुझे टाइम तो नहीं पता है, 15 to 20 minutes में शायद मैंने किया होगा, बट आप लोग आराम से करना है। ये देख सकते हैं रैम, अभी हम रैम का जो हिस्सा है सीपी के ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पे प्लास्टिक ग्लू होता है, रबर होता है, जो वाइट पेस्ट येलो पेस्ट आप कहते हो जिसे, इसे क्लीन करना है, अदरवाइज़ आपका रैम के बॉल जाकर टच नहीं होंगे प्रॉपर, तो फिर आपका सेट ऑन नहीं होगा। क्लीनिंग में आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत साफ़ सफाई के साथ क्लीन करिए ताकि काम आपका अच्छा हो और एक बार में सक्सेस हो। साफ़ सफाई करने में आप लोग पीछे हट जाते हैं या सही से साफ़ नहीं करते हैं तो आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा, प्रॉपर वर्क नहीं होगा। जल्दबाजी हमको क्लीनिंग करने में नहीं करनी है, जल्दबाजी हमको करनी ही नहीं है, आराम से काम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से मैंने फ्लक्स यहाँ पे यूज़ किया, एक बार फिर से डीसोल्डर वायर से हम साफ़ कर लेंगे। देख सकते हैं आयरन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत नरम हाथों से करना है आपको, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, डैमेज नहीं करना है, बॉल आपस में मिल जाएंगे या पास में ग्राउंड होगा तो उससे शॉर्ट हो जाएंगे, तो नरम हाथों से क्लीन करिए। चलिए थिनर से साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा ब्रश मार लेते हैं, क्लॉथ से भी साफ़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो मुझे और थोड़ा सा ग्लू हल्का हल्का सा लग रहा है तो मैं उसे भी क्लीन कर लेता हूँ। ये सब अगर हैंड स्किल का काम अगर आप सीखना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, ले सकते हैं आप, क्योंकि मेरे पास सिर्फ थाली मारना नहीं होता है फ्रेंड्स टीचर के लिए, ये सारा काम मैं आपके हाथ से करवा के भेजूँगा। और ऑनलाइन हमारा कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन क्लास फॉल्ट फाइंडिंग स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम, अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी मुझसे क्लास ले सकते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ काम करते हैं, हमको ज़्यादा पता है काउंटर पे क्या प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, और रात में हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को ताकि हमारी जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचे। आसपास के एरिए में कोई डस्ट या कोई रांगा या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, जब हम रैम लगाएंगे जब हम हीट करेंगे तो आपस में कोई कैप या रजिस्टर आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। तो चलिए सीपीयू हमारा क्लीन हो चुका है, अब हम रैम को क्लीन करेंगे। तो ये हमारे पास पीसीबी होल्डर जो है, इसमें आपको आईसी को इस तरीके से फिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और ऊपर से हम हमारा नॉर्मल जो लेड होता है वो मिक्स करेंगे इसमें, ताकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर कम हो जाए। तो देख सकते हैं बहुत आसानी से हम रैम क्लीन कर रहे हैं, रैम के ऊपर भी ग्लू होता है, कुछ ग्लू रैम पे लगा आ जाता है और कुछ ग्लू आपका सीपीयू के ऊपर रह जाता है। ये बहुत ही नाजुक सा हल्का सा पतला सा रैम होता है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से आपको करना है, ताकत नहीं लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ रैम डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, हल्का सा भी क्रैक आ जाएगी तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। चलिए ग्लू कट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ हल्का हल्का सा ग्लू है और यहाँ पर कुछ बॉलें इसकी हल्की हल्की सी ब्लैक ब्लैक दिख रही है, तो हम उसको नॉर्मल एक शार्प ब्लेड से थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे इस तरीके से, ताकि जब हम रिबॉल करें तो ये बॉल भी सारे बन जाए, क्योंकि कोई भी एक बॉल मिस हो जाएगा तो आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। ये सारे वर्किंग बॉल्स होते हैं काफ़ी सारे इसमें, अगर एनसी है तो चल जाएगा, नॉट कनेक्टेड नॉट वर्किंग डॉट पिन है तो चल जाएगा, बट ग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो वर्किंग रैम की पिनें होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साफ़ अच्छे से करना है आपको, मैं बार बार आपको साफ़ करने पे ध्यान दिला रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि क्लीनिंग में ही आपका हैंडसेट सक्सेस होगा। अगर जल्दबाजी करेंगे या फिर अनदेखा करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को तो आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा, फिर आपको दोबारा काम करना पड़ सकता है। चलिए रिवॉल्व कर लेते हैं, रैम हमारा क्लीन हो चुका है, क्लीन होने के बाद रिवॉल्व कर लेंगे और रिवॉल्व करके हम फिक्स करेंगे। प्रॉपर स्टेंसिल आपको लेनी है, यूनिवर्सल में नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो बड़े हैंडसेट होते हैं इनके खुद के प्रॉपर स्टेंसिल्स आते हैं, तो आपको उसी के स्टेंसिल में काम करना है। तो चलिए रैम भी रिवॉल्व कर लेते हैं, ये 2UUL का जो मैं पीपड़ी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये, हालांकि अभी उतने अच्छे पीपीडी आ नहीं रहे हैं पहले जिस तरीके से आते थे, एक बार में आपका सीपीयू और रैम बन जाया करता था, बट अभी जो पीपीडी आ रहा है एकदम बेकार सा पीपीडी मार्केट में कॉपी पेस्ट आ रहे हैं सारे,
तो रिवॉल्व करेंगे, देख सकते हैं आप 857 DW प्लस और 350 हीट है मेरी। यहाँ पे कुछ फ्लक्स मैंने डाला है ताकि ब्लैक पेस्टेड जो था ये कुछ ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, तो पेज डालने के बाद ये अच्छे से आपस में फिक्स हो जाते हैं। तो पेज डाल के भी आपको एक बार अच्छे से हीट कर लेना है। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं एक बार अच्छे से। थोड़ा सा हल्का सा अगर आप ऊपर से भी हीट देंगे तो ये प्रॉपर राउंड हो जाएंगे, अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे। चलिए हमारे बॉल बन चुके हैं रैम के, और अब रैम को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे क्योंकि कुछ डस्ट वगैरह जमा होगा तो आपको दिखेगा नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रैम अच्छी तरीके से बन चुका है, रेडी है अभी लगने के लिए। प्रॉपर बॉल बन चुके हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है इसमें, सारे के सारे बहुत ईजिली बन चुके हैं। तो चलिए पीसीबी में रैम को हम लगा लेते हैं क्योंकि सीपीयू तो हमने क्लीन कर लिया था ऊपर से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा पहले फ्लक्स यूज़ करेंगे, कोई डस्ट या कोई रंगा या पेस्ट का कोई बॉल इसमें नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। और रैम का नोज कट पॉइंट ऊपर राइट साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं, और सीपी के ऊपर कुछ कट मार्क डाले हैं गोल्डन कलर के लेफ्ट और राइट साइड में, उसी के बीच में आपको रैम को फिक्स करना है। दिख रहे हैं आपको लेफ्ट और राइट साइड में दो गोल्डन कलर के मार्क है, उसी के बीच में आपको रखना है। चलिए रैम लगा लेते हैं 350 और एयर 3 पे रखेंगे। 857 DW प्लस SMD में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पर्सनली। बाकी 2008 से भी आप काम कर सकते हैं या 861 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। रैम अच्छे से फिक्स करेंगे। चलिए थोड़ा सा पेस्ट डाल लिया हूँ मैं, थोड़ा सा शेक कर लेंगे रैम को ताकि अंदर अच्छे से बॉल मेल्ट हो जाए आपस में। देख सकते हैं रैम हमारा फिक्स हो चुका है। चलिए पीसीबी को कूल होने देते हैं, जैसे ही कूल हो जाता है तो हम पीसीबी को फोल्डर में फिट करके चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम इसको फोल्डर में फिट कर लेते हैं और फोल्डर में फिट करके चेक करते हैं क्या हमारा हैंडसेट पूरी तरह से ऑन होता है क्या। यहाँ पर सारे बेल्ट लगा लेते हैं, कैमरे का भी बेल्ट और डिस्प्ले कनेक्टर, FPC कनेक्टर जो हमारा नेटवर्क और RFIP के लिए होती है पट्टी, यहाँ पे बैटरी भी हमने लगा ली है। तो एक बार अभी चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगा कर चेक करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं लोगो तो हमारा फिर भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो करंट कंज्यूम कर रहा है 2 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, मतलब पहले जो कर रहा था 1 एम्पियर होकर के डाउन हो रहा था, 9 वोल्ट 1.3 ले चुका है, मतलब फास्ट चार्जिंग यहाँ पे ले रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज भी बता रहा है 19% आ चुका है। तो चलिए एक बार इसको हम ऑन कर लेते हैं और ऑन करके भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग का लोगो आ चुका है, और अभी देखते हैं रिस्टार्ट भी हो सकता है या फिर हैंग ऑन लोगो भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने इसमें ओनली रैम रिवॉल्व किया है और अगर ज़रूरत पड़ती तो हम इसका CPU भी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक हैंड स्किल का काम होता है, अगर आपको ये सीखना है तो आप मोबीकेड सॉल्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको फॉल्ट फाइंडिंग सीखनी है, सर्किट डायग्राम की नॉलेज लेनी है, या फिर आपको सेक्शन को समझना है तो हमारा ऑनलाइन क्लास है 20 तारीख से, यानी कल से हमारा ऑनलाइन क्लास है रात में जूम मीटिंग के थ्रू, 2 घंटा रात में क्लास होती है, उसमें आपको सारा चीज़ बताया जाता है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेकंड लोगो आ चुका है इसका, थोड़ा टाइम लेगा ये क्योंकि हमने रैम निकाल के इसमें डाला है, और ये जो बड़े हैंडसेट होते हैं थोड़ा सैमसंग के स्पेशली ऑन होने के लिए थोड़ा टाइम भी लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है,
देख सकते हैं, नंबर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था इसमें सॉल्व हो चुका है, क्योंकि लोगो आ रहा था और रिस्टार्ट भी हो रहा था। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी आ चुका है इसका, और ऊपर नेटवर्क भी है, सिम भी है इसमें लगे हुए कस्टमर के, जियो के जो कि सिम के नीचे होती है इसकी। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। जैसे कि आपने देखा हैंडी स्किल में हमने बहुत ईजी तरीके से रैम को ओनली रैम निकाल कर कैसा इसमें लगाया ये आपको बताया। नेक्स्ट टाइम अगर कोई हैंडसेट ऐसा आता है जिसमें सीपीयू का भी प्रॉब्लम हो तो वो भी हम आपको करके नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सॉल्यूशंस के काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर है, जाकर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।